हे गाइस, हम आ गए थे, अभी आए हुए हमें हो गए हैं, 1-1.5 घंटे हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने किया है लंच, रोटी, और जो मॉर्निंग टाइम में मैं केले की सब्जी बनाई थी वो हमारा लंच था। और अभी थोड़ा सा राइस बना है, तो राइस बनूंगा तो थोड़ा सा खा लूंगी। एंड उसके बाद मुझे जाना है शॉपिंग पे मम्मी के साथ। मम्मी को कुछ सामान लेना है, साड़ी लेना है, सूट लेना है, कुर्ती वगैरह जो भी है, तो वो उसके लिए हम जाएंगे। यहाँ पर्स आ चुका है, मेरे मोबाइल मांग रहा है, नहीं ओके नहीं होता ये। तो मैं वहां से कुछ शॉपिंग कर रही हूँ, जैसे ज्यादा मैंने नहीं किया क्योंकि अच्छे अच्छे सामान मुझे नहीं दिख रहे थे थोड़े से। ओके ओके, आपको दी थी ना मैं, तो थोड़े बहुत सामान जो मुझे दिखे, चूड़ी ली और चूड़ी की स्टैंड ली, तो वो मैं आप लोगों को ना कल दिखाने वाली हूँ, कल के ब्लॉग में वो दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है। थोड़ी देर बाद हम निकलने वाले हैं शॉपिंग के लिए, तो चलिए अब बाहर होगा तो मैं सूट करूंगी वरना नहीं करूंगी। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ा टाइम से। यहाँ हम लोग आ गए थे साड़ी देखने, मम्मी को लेनी थी साड़ी। तो यहाँ पे हम बहुत सारी साड़ियाँ देख चुके हैं, और यहाँ पे सामने में जो येलो वाली आपको साड़ी दिख रही है ना, जो लगी हुई है, हैंग की हुई है, वो साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, बट येलो कलर था। मैं उसका और भी कलर मांगी, बट उसमें का कोई कलर ही नहीं था, सब ख़त्म हो गए थे। तो येलो वाली साड़ी का जो मतलब जो भी है ना डिज़ाइनिंग वगैरह, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, बट येलो साड़ी नहीं लेनी थी। और यहाँ पे और भी हम साड़ियाँ देख रहे थे, तो मैं ज़्यादातर रेड में ही मांग रही थी, और मुझे लेना था ये रेड का ना। मम्मी को ये थोड़ा सा वर्क उनको पसंद नहीं आया, नहीं तो साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। अगर हम लाइट में इसको पहनते ना तो बहुत ही अच्छा था, और ये जो लाइट लाइट सा था ना, वो मम्मी को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन ये एक्चुअली सितारा मोती जो होता है ना, वो नहीं था, ये थोड़ा सा कुछ अलग ही चीज़ था। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये साड़ी भी, बट इसको मैंने साइड करवा दिया, ये पसंद नहीं आ रही थी। ये वाली साड़ी मुझे पसंद थी और मम्मी को भी पसंद थी, तो मैं मम्मी इसको बार बार देख रही थी, तो ये साड़ी अच्छी लग रही थी। और ये वाली साड़ियाँ भी सब अच्छी लग रही थी, तो ये कॉटन में नहीं है, शिफॉन में है ये साड़ियाँ। तो मैंने हल्की साड़ियाँ ही मांगी, क्योंकि मम्मी पहले बॉर्डर वाली साड़ियाँ पहन लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आता है, वो बोलती है हल्की हल्की साड़ियाँ ही सही लगती है। और उसके बाद ये वाली साड़ी, तो मम्मी का इस पर जो प्रिंट था ना, ये इनको पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे साड़ी और ब्लाउज़ यहाँ पे हैंग किए हुए थे, आप देखे थे। एंड ये जो क्लिप है, ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है, उसके बाद हम मार्केट से आके उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई थी मैं। एंड यहाँ पे जो छठ पूजा वाला नारियल था, उसको पापा ने उसको फोड़ दिया था, लेकिन वो अच्छे से फूटा नहीं था। और ये वाला जो नारियल है, जो मैं कल लेके आई थी थावे जो हम गए थे वहाँ का, ये नारियल है, तो मैंने जो चढ़ाया था वही वाला नारियल है, इसको पानी में निकाल रही हूँ। तो मुझे नारियल पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको मैं छान के तब पीऊँगी। और यहाँ पे इन्होंने जो प्रोसेस किया था ना नारियल निकालने के लिए, वही वाला मैं ट्राई कर रही थी, तो फाइनली जो नारियल था वो निकल चुका था, उसमें से बहुत ही अच्छे से निकला था। यहाँ पे स्पष्ट नानी से मांग रहा था बिस्किट, तो बिस्किट मांग के और उसके बाद वहाँ से चला आया है, और उसको बस पता है क्रीम वाले ही बिस्किट चाहिए। यहाँ पर आंटी हुई हैं, बर्तन वॉश कर रही हैं, और आज वो पोछा नहीं लगाएंगी, बोल रही थी कि पोछा नहीं लगाऊंगी। मम्मी ने मना बोला ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आंटी थोड़ी सी बोलती है ना कि आज नहीं लगाऊंगी, मम्मी बोलती है कोई बात नहीं है। और वहाँ पे फिर हमारे घर में बनने लगा था एग, तो यहाँ पे एग मम्मी फ्राई कर रही है, और एग कड़ी बनने वाला है इस टाइम पे, क्योंकि आज सुबह सुबह एग कड़ी बनेगा। हाँ, तो ये एग अभी फ्राई हो रहा है, और फ्राई बॉईल करने के बाद इसको, इसका जो छिलका था ना, वो अच्छे से निकाल लिया गया था। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा रेडिश करना होता है, उसके बाद जो प्याज वाला जो भी मसाला होता है ना, उसको भून के इसमें डालना, उसको भून के पानी डाल के उसके बाद इसको डिप कर देना होता है। तो मेरे घर में जब भी नॉनवेज बनता है ना, किचन में नहीं बनता है, किचन से बाहर हमारे घर में बनता है, और इसके सारे बर्तन अलग हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर नॉनवेज हमें बनाना है, सब कुछ अलग है, कढ़ाई, कुकर, हर चीज़ अलग है। तो बस किचन में हमारे घर नहीं जाता है, क्योंकि मम्मी फास्ट वगैरह करती है, फिर वो सारे बर्तन यूज़ होते हैं, इसी वजह से इसके कुछ थालियाँ, प्लेट्स, कढ़ाई या फिर बाउल्स वगैरह ना, सब कुछ अलग रखा होता है, बंद कर दिया जाता है, और मतलब एक अलमारी रखी है मम्मी, उसमें सब बर्तन वॉश करके बंद हो जाते हैं। एंड यहाँ पे मम्मी राइस वॉश करने लगी थी, क्योंकि एग कड़ी और राइस बनने वाला है हमारे घर आज, तो बस मम्मी राइस वॉश कर रही है। यहाँ पे कप वगैरह आंटी ऐसे रख के चली गई हैं, तो वो सब मम्मी सेट कर दें, क्योंकि लास्ट लास्ट बाकी सारे बर्तन वो सेट कर देती हैं, कप वगैरह बचे रहते हैं तो वो मम्मी कर देगी। एंड यहाँ पे ये मिल्क अभी हमारे घर में आया, क्योंकि मिल्क थोड़ा कम पड़ गया था, तो ये सुधा का मिल्क इधर मिलता है, काफ़ी अच्छा रहता है, ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है, तो 1 kg मिल्क अभी आया है, तो मैं इसको गर्म करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे दूसरी साइड में फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि स्पर्श इधर भाग रहा था,
तो उसको पकड़ते पकड़ते मैं भी आ गई। तो जो मैं बताती हूँ ना कि आधा बना हुआ है उधर ही था, तो यहाँ से सीढ़ी भी है नीचे की साइड में बाहर को निकलती है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे देखिए लहसुन लगाया हुआ है, मम्मी ने लगाया है, और ये इधर कुछ ना कुछ मम्मी करती रहती है, पापा मम्मी दोनों लोग मिल के। और उसके बाद स्पर्श इधर भाग रहा था, तो मैं इसको पकड़े जा रही थी कि कहाँ गया, तो ये बस ऊपर जाने वाला था। एंड उसके बाद मम्मी ने बनाया है चाय, तो मैं चाय ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना मैं चाय पीने लगी हूँ। उसके बाद मेरे भाई ने यहाँ पे स्टूल को ना, स्टूल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा था, 4-5 स्टूल एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे पिंक वाला जो है ना उसमें 3 है, तो उसको मम्मी ने उसको पोलोथीन रखी थी उसको कवर करके रख दिया। एंड यहाँ पे हीटर भी रखा हुआ है, एंड ये वाला 2 स्टूल है, तो इसको भी मम्मी ने पैक करवा के। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग मॉर्निंग से। मॉर्निंग का थोड़ा बहुत क्लिप जो था ना वो मैंने शूट किया था, जितना मेरे से हो रहा है ना उतना मैं कर ले रही हूँ। नहीं तो ऐसा बस आराम 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 यहाँ पे बस कर रही हूँ, तो ज्यादा मैं काम वाम भी नहीं कर रही हूँ कि मैं उसका शूट कर पाऊँ। तो जो भी क्लिप मुझे लेना है ना कि मैं ये क्लिप ले सकती हूँ, तो उस क्लिप को मैं ले रही हूँ। और अभी स्पर्श नानी के साथ अपने बाहर है, नाना नानी के साथ वो यहाँ पे बस मस्ती में लगा हुआ है। वो पता है दिन भर में कम से कम हम ना 50 बार छत पे जा रहा है उसको पकड़ने के लिए। वो फटाक से छत पे भाग जाता है और उसको पकड़ के लाते हैं, फिर वो भाग जाता है। छत पे नहीं जाता तो आगे वाला जो छत है जो अभी आधा बना है उस पे भाग जाता है। तो ऐसे ही ना इतना ज्यादा वो यहाँ पे सबको परेशान कर रहा है, इतना परेशान। बस हम उसको ना उसी में सारे लोग लगे रहते हैं, स्पर्श में ही, और किसी का कोई काम नहीं, बस स्पर्श में लगे रहो। तो बस सुबह के टाइम आज बना था हमारे घर एग कड़ी, और इवनिंग में कुछ और नॉनवेज बनेगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना तो मम्मी, क्योंकि मैं वहां बना नहीं पाती हूँ, आप लोग नहीं देखते हो कि मैं नॉनवेज कुछ हमेशा बनाती रहती हूँ, नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि ये नहीं खाते ना तो फिर मैं भी नहीं बना पाती हूँ। तो मम्मी, मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ तो मम्मी ढेर सारा, मतलब डेली डेली नॉनवेज खिलाती है। कभी कभी बीच में स्किप हो जाता है, जैसे कल ट्यूजडे था तो कल हम नहीं खाए थे, आज खा लेंगे, फिर कल थर्सडे रहेगा तो कल हम नहीं खाएंगे, तो ऐसे है। तो फिश मेरा फेवरेट है, तो फिश मम्मी बनाएगी और स्पर्श को भी बहुत पसंद है। तो ऐसे करके ना मम्मी आजकल जो भी है सुबह में, क्या सुबह तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, किचन में मैंने आज कुछ किया ही नहीं है। मम्मी राइस बनाई थी और एग कड़ी, मम्मी नहीं बनाया था, और बस यही सारा कुछ है। और थोड़ी देर बाद कल हम गए थे शॉपिंग पे, तो बहुत सारे शॉपिंग करने गई ना तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं दिखाई थी, लेकिन ऐसा मैं सोच रही हूँ ना कि मम्मी मम्मी ना 2 साड़ी लेके आई है, बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ी है, बहुत 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 अच्छी लग रही है। तो मम्मी काफी टाइम से वेट कर रही थी कि मैं आऊंगी तो वो शॉपिंग करेंगे इन साड़ियों की, मेरी पसंद और मम्मी की पसंद, मतलब लगभग ना मैच करती है। हम गए थे तो 2 साड़ी लेके आए, मम्मी ने अपने लिए कुर्ती लिया, प्लाजो लिया। तो बस वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद, मैं सोची हूँ ना फ्री होके, फ्री तो अभी भी हूँ, कोई काम नहीं, लेकिन मैं अभी बस स्पर्श को अभी देखने जा रही हूँ बाहर की वो क्या कर रहा है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। चलिए मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद। अभी स्पर्श भाग गया है छत पे, तो हम उसको जा रहे हैं पकड़ने के लिए। यहाँ पे है स्पर्श, स्पर्श पकड़ने आ गया। हाँ चलो चलो, तो यहाँ पे मम्मी और मैं स्पर्श को लेके आ रहे हैं नीचे। तो वो देखिए काफ़ी ज़्यादा हंस रहा है अभी भी, क्योंकि उसको इतना मज़ा आता है ना कि हम मैं ऊपर भागूँ और हमको ये लोग पकड़ते रहें। तो यहाँ पे उसकी नज़र ऊपर ही है, तो ये देख के हमें काफ़ी हंसी आती है। जब भी हम उसको ऊपर से नीचे लेके आते हैं ना, उसकी नज़र ऊपर ही रहती है, नीचे उसको आने का बिल्कुल भी मन ही नहीं होता है। एंड उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मम्मी के कुछ नेल पेंट कलेक्शन। तो एक्चुअली नेल पेंट कलेक्शन मैं लेके बैठी नहीं थी, लेकिन मम्मी ने इसको ना सही करने के लिए बोला था, कि बोली थी ना जो नेल पेंट मतलब अच्छा नहीं लग रहा है उसको तुम हटा दो। तो ये जो ग्रीन वाला नेल पेंट है ना, ये मम्मी ने सावन में लिया था, जब हम ग्रीन ग्रीन चीज़ें पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, नेल पेंट लगाते हैं। तो ये दोनों मम्मी से पूछे, मम्मी ये कब लिया आपने? तो मम्मी ने बताया कि ये सावन में मैंने लिया था, सब लोग लगा रहे थे तो मुझे भी लगाने का मन हुआ ग्रीन ग्रीन, तो मैं भी 2 ले आई थी। एंड यहाँ पर रेड कलर का है, तो कुछ नेल पेंट जो भी है ना इसमें से हटाना है मम्मी ने बोला है, तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज से निकाला है। मम्मी भी सारा फ्रिज में ही रखती है। तो ये सारे नेल पेंट्स हैं मम्मी के कलेक्शन है, तो देखिए कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन है मम्मी के भी। एंड मेरा तो मेरे पास भी बहुत सारे कलेक्शन है। तो यहाँ पे एक ये नेल पेंट है, ये है वाइन कलर में। एंड उसके बाद मैं ना एक इसमें नेल पेंट दिखाऊंगी जो मेरे शादी के पहले का है। तो जब शादी से, हाँ शादी से पहले का है, उस टाइम मैंने जो ड्रेस पहनी थी उसका मैचिंग मैंने अपना नेल पेंट लिया था, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। और ये है ब्राउन कलर में, और ये नेल पेंट हटाना है मुझे, तो इसको मैं सब साइड कर रही हूँ जो मुझे हटाना है। तो ये वाला वो नेल पेंट है, तो ये बहुत ही प्यारा कलर था, लेकिन अभी ना
थोड़ा सा मतलब ख़त्म सा हो गया है, लेकिन अभी भी ये मम्मी से पूछी तो मम्मी बोल रही अभी भी इसमें है। तो वैसे मम्मी ये सारे कलर उतना नहीं लगाती है, मम्मी डार्क डार्क ही कलर लगाती है, जैसे रेड है, ग्रीन है, मैजेंटा है, तो ये सारे कलर लगाती है। तो मैं इसको खोल के भी दिखाती हूँ कि ये वाला नेल पेंट एक्चुअली ना, इसको जब मैं देखी ना तो मुझे याद आ गया कि पहले मेरी शादी के पहले का है ये। मीन्स जब मुझे ये मिलने वाले थे तो उस टाइम पे मैंने ये ड्रेस का मैचिंग ही ख़रीदा था, वही वाला नेल पेंट है। तो बहुत सारी यादें जुड़ी होती है मायके आके, और ये जब मैंने नेल पेंट देखा तो और भी मतलब यादें ताज़ा हो गई। एंड उसके बाद यहाँ पे ये वाला नेल पेंट हटाऊंगी, चार पांच जो नेल पेंट है ना वो मैं हटाने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर की मम्मी का नेल पेंट कलेक्शन, मैं सोची कि सही भी कर देती हूँ और आप लोग के साथ वीडियो थोड़ा सा बना लेती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर भी हो जाएगा। एंड ये वाला नेल पेंट ख़त्म हो गया तो इसमें का मम्मी ने मेरे को भी दिया था, ये सारे मैं हटाने वाली हूँ। और ये ग्रीन वाला ना इसमें था, इसमें तो मैं उसको रख दे रही। ये मम्मी अभी भाई के पास गई थी तो वहाँ पे उन्होंने ख़रीदा था नेल पेंट, लेके नहीं गई थी तो। एंड उसके बाद ये वाला, तो ये सारे कलेक्शन मम्मी के नेल पेंट के। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे पापा बाहर बैठे हुए थे, साथ में बैठा हुआ था स्पॉश, और यहाँ पे कुछ स्नैक्स लिए हुए हैं पापा, तो वहाँ से स्पॉश निकाल के खा रहा था। और एक्चुअली मेरे साथ ही था पहले, लेकिन उसके बाद बाहर चला आया तो मैं भी बाहर थोड़ी देर के लिए आई थी। यहाँ देखिए निकाल रहा है और अपने नाना जी से ही पूछता है, पूछ के तभी खाता है, परमिशन नहीं मिलेगी तो ये बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो बस उसने उसमें यहाँ पर इसकी मस्ती भी बहुत ज़्यादा चलने लगी है। और मैं भी यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए ही बाहर निकली थी स्पॉश को देखने के लिए कि है कि कहीं गायब है, छत पे तो नहीं चला गया। तो बस यहाँ पे पापा कुछ काम था, वो पेपर्स वगैरह कुछ पढ़ रहे थे। एंड यहाँ पे मम्मी गई हैं कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि ये वाला जो जब से बन गया है ना तो हमारा आधा काम कपड़े डालने से लेके हर चीज़ इधर ही होता है, तो कपड़े सुखाने होते हैं या फिर कुछ भी। तो बस उधर सर्दियों में भी काफ़ी अच्छा होता है, धूप में बैठ जाओ उधर। मम्मी बोल रही थी कि बहुत ही अच्छा लगने लगा है जब से वो बन गया है। एंड यहाँ पे मम्मी बना रही थी चाय पापा के लिए, अपने लिए। तो मैं भी सोची कि मैं भी थोड़ा सा पी लूँगी, एक्चुअली मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ना सबके साथ पीना, चाय पीना बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस अभी तो एक्चुअली मम्मी चीनी वाला चाय नहीं पीती क्योंकि डायबिटीज़ है मम्मी को, तो वो अपना पहले निकाल लेती है। और यहाँ पे आंटी आई थी तो शाम वाला जो बर्तन है वो भी वॉश करके वो चली गई हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा पहले आ जाती हैं शाम वाले बर्तन वॉश करने, 2:30 या 3 बजे के आसपास वो चली आती हैं, तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं होता है शाम को, सुबह सुबह ही ज़्यादा होता है। चाय पत्ती ऐड करी मम्मी, दूसरी साइड में मिल्क रखी है स्पर्श को, इस टाइम शाम को मैं बताती हूँ वो मिल्क थोड़ा सा लेता है, कभी लेता है, यहाँ पर जब से आया ना उसने मिल्क पीना ही छोड़ दिया है, पता नहीं उसको क्या हो गया, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा एक कप पी पाता है, नहीं तो उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं वो। तो बस चाय बनाने के बाद फिर हम जाके चाय पियेंगे। और मैं भी किचन में ही आई थी तो मैं सोची कि चलो मम्मी चाय बना रही है, थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि थोड़ी सी यादें रह जाती है। यहाँ पे मम्मी स्पॉन्ज को निकाल के दे रही थी बिस्किट तो वो नहीं खाया। एंड यहाँ पे पापा कुछ लेके आए थे, पापा नहीं सॉरी भाई लेके आया था ये, तो ये मेरे को ना बहुत ज़्यादा, मैं जब छोटी थी ना तो ये बहुत खाती थी, ये ब्रेड का ही रहता है, अंदर थोड़ी सी ना मलाई भरी रहती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं उससे पूछी थी ये कहाँ से मिला, मतलब मुझे और चाहिए ये खाने के लिए, क्योंकि मुझे याद आ गया अपना बचपन की, यार मैं तो मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा ये हम लोग खरीदते थे और खाते थे। चीनी मम्मी ऐड कर रही है, अपना निकाल चुकी है, तो ये बस मैं एक ही लेके आया था, मैं बोली मैं खा लेती हूँ, मम्मी बोली हाँ खा लो, उसके बाद मैं और भी मंगा दूँगी। तो मैं सच बताऊँ ना तो बहुत सालों बाद मैं ये खा रही हूँ, तो पता नहीं कैसे मिल गया, और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, छोटे से ब्रेड टाइप में रहती है, अंदर मलाई स्टफिंग रहती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें ना मतलब यहाँ पे आके बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कितना आराम और सुकून मिल रहा है कुछ। और यहाँ पे मम्मी चाय निकाल ली है तो मैं चाय नहीं ले रही क्योंकि मैंने वो खा लिया ना, तो भाई बस यहाँ पे बैठी थी थोड़ा फ्री होके, और मैं दिखाने वाली थी कुछ सामान जो कल मैं शॉपिंग करके लाई थी। तो मैं कल जब वहां पे गई थी मंदिर तो वहां से मैं कुछ सामान लेके आई थी, तो उसमें से ये एक बैंगल्स भी है, तो इसको मैंने ना कल शाम को ही डाल लिया था जब मैं गई थी ना शॉपिंग करने के लिए, तो ये वाला मैंने डाल लिया था, बहुत ही प्यारा लगा था मेरे को और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था, तो फिर मैंने इसमें ले लिया। इसमें का मैंने एक और लिया है जो है बिल्कुल सेम इसी के जैसा है येलो कलर में, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने बस अपने लिए ही ये वाला लिया है, तो ये देखिए ये येलो कलर में मैंने लिया, कैसा लग रहा है आप लोग बताना।
और बस मैंने इसलिए ले लिया ना कि कई बार येलो जब ड्रेस डालो तो मैचिंग नहीं मिलती है, तो येलो जब होता है ना तो मैचिंग हो जाता है तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने वहां से ज्यादा कुछ नहीं लिया, ये मैंने अपने लिए बिंदी ली जो मल्टी कलर है, ये मुझे ना बिंदी बहुत ही अच्छी लगती है, अक्सर मैं यही लगाती हूँ, आज भी मैं यही लगाई थी बट अभी निकल चुका है। और ये वाला बैंगल्स, दो बैंगल्स मैंने लिया और ये है मम्मी का, तो मम्मी के साइज का ना कुछ अच्छा सा मिल ही नहीं रहा था। एक्चुअली ये सब भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब मंदिर जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए, याद याद होता है, याद रहता है, तो मैंने बस मम्मी के लिए ये वाला लिया जो बिल्कुल गोल्डन कलर में है, मोती मोती सा लगा हुआ है, तो ये साइज उनका थोड़ा सा बड़ा है 2-6, तो ये वाला मैंने लिया। और नहीं, और मैंने लिया था जो चूड़ी के स्टैंड होता है एक लकड़ी का उड़न वाला जो आता है वो वाला मैंने लिया, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ अभी, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम ना फिर भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे जो वो था इसका मैंने 3 सेट लिया था, एक तो मम्मी का था और यहाँ के जो है ना ये सेट करने वाला है, तो यहाँ कभी फिलहाल निकल निकल के गिरा हुआ है, तो ये इस तरीके से रहेगा और ये बहुत पहले से रहता है, लेकिन मेरे को ठीक लगा, मम्मी ने बोला था ऐसा लेके आने के लिए तो इसलिए मैं लेके आई, तो जब मम्मी के लिए तो मैं अपने लिए भी ली। तो ये बस मैं चूड़ी सोची ना कि बहुत सारे बैंगल सेट हो जाएंगे और होता है ना कि थोड़ा सा जब पहनना होता है तो बहुत ही इजिली निकल जाता है, तो इसीलिए मम्मी ने बोला था कि बहुत ही इजिली इसमें हम रख सकते हैं निकाल सकते हैं, ज्यादा झंझट वाला काम नहीं होता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि डब्बे से निकालने में थोड़ा सा आलस आ जाता है कि डब्बे से निकालो फिर पहनो फिर कहीं जाओ, तो उससे अच्छा हम जो पहने होते हैं उसी को डाल के, तो मम्मी ने बोला था तो मैंने फिर सोचा कि चलो अपने लिए भी ले लेती हूँ, काम की चीज है हमारे लिए। और एक और है ये, तो इसको भी मैंने ऐसे पॉली बैग में जैसे दिया हुआ था ना वैसे ही मैंने डाल दिया है, तो ये एक ये है और एक मम्मी जी का जो है वो उन्होंने रख दिया है, तो उसमें वो भी चूड़ी सेट करनी बाकी है, तो मैं जब सेट करूंगी ना तो आप लोगों से जरूर दिखाऊंगी उसको। तो वहां पे है पीछे स्पॉश की चेन, तो ये वो वहां से स्पॉश ने ना सबसे पहले लिया था कार, तो कार लेते लेते इसने तोड़ दिया, और ये सब मैंने शॉपिंग नहीं करी एक्चुअली, मेरे भाई ने सब कुछ दिलाया। तो ये भी ट्रेन वहां पे बस 2 मिनट में ही टूट गया था, ज्यादा देर रहा नहीं, उसके बाद हम लोग वापस चले आए थे, उसके बाद में गई थी शॉपिंग। तो उसके बाद मम्मी ने अपने लिए लिया है ये प्लाजो जो ब्लू कलर की है और बिल्कुल प्लेन है, अच्छी लग रही थी, तो ये प्लाजो मम्मी ने लिया है, पता नहीं 350 या 380 का कुछ मिला है, तो ये साइज प्री साइज है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, कपड़ा जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मटेरियल इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट है कंफर्टेबल है, तो बस प्लेन है, तो इसमें कुछ डिजाइनिंग तो है नहीं, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो बस इस तरीके से, हाँ थोड़ा सा लूज वाला जो प्लाजो आता है ना उस टाइप का है। और उसके बाद एक कुर्ती है, तो ये भी ब्लू कलर में है, तो ये भी मम्मी का कुर्ती है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कुर्ती, देखिए इस तरीके से साइज डबल डबल एक्सएल है शायद, हाँ डबल एक्सएल है, ये प्लेन जो इसका प्रिंट है ना वो बहुत ही अच्छा है, तो ये है कुर्ती। और आगे से जो वैन नेक आता है, वैन नेक है और इसकी मतलब ना इसका कलर बहुत ही अच्छा लगा, प्रिंट भी बहुत अच्छा है, इसको प्लाजो के साथ भी डाल सकती हैं या फिर लेगीज बहुत कम डालती हैं प्लाजो या फिर सलवार के साथ, मतलब बहुत सारे मल्टी कलर नीचे ना वो कुछ भी डाल सकती हैं, लेगिंग्स रेड कलर की लेगिंग्स भी डाल सकती हैं, तो बताना आप लोग कैसा लग रहा है। एंड उसके बाद है साड़ी, मम्मी की साड़ी में तो ये रेड कलर की, मैं इसको खोलूंगी नहीं तो पता है फिर खराब सा हो जाता है, तो ये रेड कलर की साड़ी है। मम्मी को सिंपल शोवर कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं, जैसे मेरे को पसंद आते हैं ना, सेम हमारी जो चॉइस होती है ना, मेरी और मम्मी की चॉइस लगभग मिलती जुलती है, तो ये वाली मम्मी की साड़ी है, इसमें छोटे छोटे डिजाइनिंग बने हुए हैं, यहाँ पे ये बॉर्डर है तो थोड़े से चौड़े में, और पूरी साड़ी में ऐसी ऐसी डिजाइनिंग बनी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। एक ये साड़ी है और एक और साड़ी है, इसका ब्लाउज पीस वहीं पे मम्मी ने उसको अलग करवा लिया, तो इसी टाइप की साड़ी है, आप ये देख रहे हो, इसमें बस प्लेन है और उसमें डिजाइनिंग दी हुई है। तो आई थिंक ये साड़ी ना 1800 कुछ की मिली थी ये, और ये एक साड़ी है, ये साड़ी बहुत ही प्यारी लगी मुझे, बहुत सुंदर लगी, इसका जो बॉर्डर है ना बहुत ही प्यारा है, ये आप देख रहे हैं ऐसे प्रिंट दिया हुआ है, सारी साड़ियों में नहीं है, आंचल में है, बाकी साड़ियां ऐसे हैं, तो इसका ये जो बॉर्डर दिया हुआ है, इसका वर्क है ना बहुत ही प्यारा वाला वर्क है, मीन्स ये निकलने वाला नहीं है और खराब होने वाला नहीं है, ज्यादा मतलब चमक धमक वाला भी नहीं है, सिंपल श्योर हम इसको बोल सकते हैं, बहुत ही प्यारा है साड़ी।
बताना आप लोग ये साड़ी कैसी लग रही है और ये भी ये वाली साड़ी कैसी लग रही है। तो यही रही मम्मी की कुछ शॉपिंग, अभी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है तो बस मैं देखती हूँ कितने दिन रहूंगी। मेरे को अब रहना मतलब नहीं है, ऐसा लग रहा है अब वापस जाना है मुझे। तो देखिए अब शॉपिंग कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, और पता है ब्लॉग भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ ना कि बस आराम आराम कुछ काम ही नहीं करती हूँ, मतलब काम करती हूँ उतना ज्यादा भी नहीं करती हूँ, तो कुछ ब्लॉग में कुछ भी एक्टिविटीज होनी जरूरी है, तो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है ब्लॉग कंटिन्यू। यहाँ पे ससुराल में तो हो जाता है, ससुराल में इतने सारे काम रहते हैं ना, बस ब्लॉग बनाते जाओ बनाते जाओ, कोई झंझट नहीं, यहाँ पे बन ही नहीं पा रहा है क्योंकि आराम से यहाँ मैं रेस्ट कर रही हूँ। चलिए फिर अगर आगे मैंने कंटिन्यू करी तो मैं आगे का ब्लॉग भी रहेगा इसमें, और नहीं तो फिर मैं यहीं पे एंड कर